लद्दाख की खूबसूरती से तो आप सभी वाकिफ हैं, और हाल ही में अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अभी तक अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर लद्दाख जल्द ही एक नई वजह से भी जाना जाएगा। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे लद्दाख में रोजगार के काफी अवसर बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि लद्दाख में बनने वाले 75,000 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट को शिफ्ट किया जा सकता है। इतना बड़ा निवेश इस नए केंद्र शासित राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन 45,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को सेना और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की चिंताओं को देखते हुए शिफ्ट किया जा रहा है। अगर बात करें इस सोलर प्लांट की, दक्षिणी करगिल से करीब 200 किलोमीटर दूर इस प्लांट को बनाया जाने वाला था। इससे बिजली बनाने के साथ ही एक साल में करीब 12,750 टन कार्बन को बनाने से रोकने में मदद मिलती। उसके साथ ही आसपास के इलाकों में रोजगार भी बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से लद्दाख के लिए 5,000 मेगावाट की यूनिट और करगिल के लिए 2,500 मेगावाट की यूनिट साल 2023 तक तैयार की जाने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लद्दाख में नहीं लगाने का फैसला वहां के लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट से जानवरों को हानि पहुंचने वाली बात कहकर चिंता जताई, जिस वजह से इसे शिफ्ट करने को कहा गया है। अब इस प्रोजेक्ट को लेह से 185 किलोमीटर दूर पेंग इलाके में लगाया जा सकता है, क्योंकि न्योमा में सोलर प्लांट बनाने से वाइल्ड लाइफ को काफी नुकसान हो सकता है। न्योमा इलाके में जंगली जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा गया है। प्लांट लगाने के बाद न्योमा में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, जिससे जीव जंतु का प्रजनन काफी प्रभावित होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर सेना ने भी न्योमा प्लांट को शिफ्ट करने की सिफारिश की है, क्योंकि न्योमा एक लैंड फायरिंग रेंज है। अब अगर वहां प्लांट लगाया जाएगा तो इससे सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, इस प्लांट को न्योमा ब्लॉक के हानले लेह गांव के पास लगाया जाना था, जो कि लेह जिला से 254 किलोमीटर दूर है। अब प्लांट को शिफ्ट करने का फैसला कितना सही साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा।